ये विशाल हिम हाथियों के अवशेष हैं। इनमें से एक अवशेष बताता है कि आज से 17,000 साल पहले कैसे एक हिम हाथी खूब घूमता रहा। अपने 28 साल के जीवन में वो इतना चला कि पूरी धरती के दो चक्कर लग जाएं। इस अद्भुत यात्रा का पता उसके हाथी दांत से चला। विज्ञान मामलों की प्रतिष्ठित पत्रिका साइंस में इस बारे में छपे शोध से काफी कुछ पता चलता है। मास स्पेक्ट्रोमीटर के डाटा से रियल टाइम में क्या निकलेगा, ये जानने के लिए हम बेताब हैं। इससे पता चलता है कि ये विशाल हिम हाथी अपनी पूरी जिंदगी में किस तरह से घूमा था। उसके जीवन की पूरी गतिविधि को देखना ऐसा है जैसे इतिहास आपकी आंखों के सामने हो। चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी जिंदगी की आखिरी सर्दियों में वातावरण में नाइट्रोजन आइसोटोप्स की मात्रा बहुत ही बढ़ गई थी। ये इस बात का साफ संकेत है कि उस दौरान पोषण की कमी और भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए। जिंदगी के आखिरी सालों में हिम हाथी बहुत ही कम दूरी तय करने लगे और आखिरकार आर्कटिक सर्कल के ऊपर मारे गए। मोटे फर वाले हिम हाथियों को वुली मैमथ कहा जाता है। आज के हाथियों की तरह ही हिम हाथियों के हाथी दांत पूरी जिंदगी बढ़ते रहते थे और इन्हीं हाथी दांतों से वैज्ञानिकों को पोषण और खुराक के अहम सबूत मिले। हमने पूरे हाथी दांत से 5 सेंटीमीटर के अलग अलग सेक्शंस लिए। आप इसे आइसक्रीम के कई कोन्स में समझ सकते हैं। उन्हें एक के भीतर एक डालते रहिए, हाथी दांत ऐसे ही बढ़ते हैं। जिस हिम हाथी के जीवाश्म की जांच की गई है वो 28 साल का एक नर था। वयस्क होने के साथ ही मौजूदा दौर के हिम हाथियों की तरह अपना झुंड बनाने के लिए वो अलग हो गया। इसी अकेली यात्रा के दौरान उत्तरी अलास्का की पहाड़ियों में वो मारा गया। 2010 में उसका जीवाश्म मिला। आज इस इलाके को लोअर युकॉन रिवर रीजन कहा जाता है। जीवाश्म जलवायु परिवर्तन और उसके नतीजों को साफ तौर पर सामने रखता है। ये शोध बहुत ही अहम है क्योंकि ये हमें उस पहेली को सुलझाने में मदद करेगा जो हिमयुग के आखिरी चरण में घटित हुई। आखिर क्यों हिमहाथी और उस दौर के दूसरे विशाल जंतु लुप्त हो गए? उदाहरण के लिए हिमयुग के आखिरी चरण में पर्यावरण में इतने बड़े बदलाव हुए कि हिमहाथी अलग अलग इलाकों में सिमट से गए। इस शोध से ये भी पता चलेगा कि आज भी आर्कटिक में रहने वाले जीव किस तरह के संकट का सामना कर रहे हैं। हाल ही में आई IPCC की रिपोर्ट में मौजूदा दौर के आर्कटिक में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का जिक्र है। इसी धरती पर कभी विशाल डायनासोर भी विचरण करते थे, फिर विशाल हिमहाथी और शेर व बाघ की पूर्वज बड़ी बिल्लियां। एक बात तो साफ है कि बदलते मौसम की चोट आहार के लिए जमीन पर निर्भर रहने वाली प्रजातियों पर सबसे ज्यादा पड़ी।